नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की काजलवास धाम शाखा के तत्वाधान में मारवाड़ जंक्शन वीर दुर्गादास नगर सिद्ध योग सदगुरुदेव श्री रामलाल स्याग के 29 सितंबर 2024 को मारवाड़ जंक्शन की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने वाले आयोजित कार्यक्रम के भव्य आयोजन के क्रम में दौरान आज कार्यालय का उद्घाटन विधायक केशवराम चौधरी द्वारा किया गया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, तहसीलदार कालूराम प्रजापत, थाना अधिकारी सरोज बैरवा भी रहीं मौजूद। कार्यक्रम उद्घाटन के दौरान 29 सितंबर 2024 को शाम 5 और 6 के बीच होने वाले भव्य आयोजन को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान मनोहर सिंह केसावत ने की दी। मनोहर सिंह केसावत ने बताया कि आगामी 29 सितंबर को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है जो सिद्ध योग सदगुरुदेव श्री रामलाल सिया के कार्यक्रम को लेकर भूमिकाएं बनाई जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक गुरुदेव के शिष्यों को लाभ मिल सके, आम जन को लाभ मिल सके। आप देख सकते हैं यह मारवाड़ जंक्शन कार्यालय के उद्घाटन की हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इस कार्यालय का उद्घाटन विधायक क्षेत्र विधायक केशवराम चौधरी ने के द्वारा किया गया, साथ में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और CI मारवाड़ जंक्शन भी रहीं। आज दिनांक 18/9/2024 को आगामी 29/9/2024 को जो गुरुदेव का प्रोग्राम होगा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ी स्कूल में, उसकी तैयारी के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए आज इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है श्रीमान केशवराम जी चौधरी साहब के उसमें अध्यक्षता में हुआ। और यहाँ सभी जितने भी जो गुरु भी आए या प्रशासनिक अधिकारी आए, जैसे SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, बैंकों के मैनेजर्स हैं और सारे गुरु भी जितने भी जो आए हमारे जोधपुर आश्रम से, उमेश सिंह जी भाटी साहब भी पधारे यहाँ। तो यहाँ सारी व्यवस्था देखने के लिए, आगामी प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए आज इसका किया गया और आज यहाँ ध्यान भी कराया गया, जिनको दीक्षा भी दी गई गुरुदेव से और आगे की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है जो 29 तारीख को बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। किस जगह होगा ये प्रोग्राम? ये सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ी स्कूल में मारवाड़ जंक्शन में ही होगा और ये शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में होगा। ठीक। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल स्याग साहब के पवन आध्यात्मिक सानिध्य में उनकी दिव्य वाणी में उनके फोटो से ध्यान और संजीवनी मंत्र दीक्षा, शक्तिपाद दीक्षा, ध्यान योग, सिद्ध योग शिविर का आयोजन आगामी 29 सितंबर 2024 को मारवाड़ जंक्शन कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार तैयारियां जरूरत हैं, इसलिए तो यहां पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन अभी आज प्रातःकाल हमारे स्थानीय विधायक श्री केशवराम जी चौधरी साहब, SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब, CI मैडम और अन्य गणमान्य नागरिकों और हमारे जोधपुर अद्वित विज्ञान सत्संग केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, स्थानीय मारवाड़ जंक्शन जो शाखा हैं उसके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं श्रीमान अर्जुन सिंह जी, मनोहर सिंह जी, भगत सिंह जी और जोधपुर से पधारे हुए सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन कार्यक्रम में गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, उनको माल्यार्पण किया गया, उनको भोग लगाया गया प्रसाद का और ध्यान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भावी कार्यक्रम की सफलता के लिए सब लोगों ने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव के इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत लाभ होता है, उनकी भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, नशों से मुक्ति मिलती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, उनकी एकाग्रता का विकास होता है, मनुष्य एक ग्रस्त साधारण जीवन आराम से जीते हुए आध्यात्मिक लाभ की ओर उन्नति करता है। मारवाड़ जंक्शन सदैव गुरुदेव का प्रिय स्थल रहा है, उनके पूर्व में भी खुद के सानिध्य में यहाँ कई कार्यक्रम हो चुके हैं। यहाँ से थोड़ा आगे काजलवास धाम उनका मुख्य धाम रहा है, काजलवास में 11 नाथ गुरुओं की जीवित समाधियाँ हैं और उसी क्रम में गुरुदेव रामलाल सियार उसी विरासत को वहन करते हैं और गुरुदेव रामलाल सियार का मुख्यालय जो हमारा
अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नाम से, जोधपुर में ही वो स्थित हैं। उसके तत्वावधान में देश विदेश में इस प्रकार के ध्यान योग शिविर लगातार आयोजित होते रहते हैं और इसी क्रम में ये मारवाड़ जंक्शन में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर की सारी व्यवस्था स्थानीय हमारे कार्यकर्ता गुरु भाई मिलकर करते हैं। ये कार्यक्रम पब्लिक के लिए, जनता के लिए पूर्णतया निःशुल्क रहता है। जनता से अपील की जाती है कि इस कार्यक्रम में लाभ उठाएं, इसमें अधिक से अधिक भागीदारी करें और भी सभी लोगों के लिए लाभदायक हैं। सभी लोगों के भावी जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम लाभदायक है, इसका अवश्य लाभ उठाएं।